हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी वोकल रेंज को ब्रॉड करने के लिए एक एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में हमने डी को पिच माना हुआ है। आप अपनी पिच के हिसाब से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सबसे पहले सा लगाते हैं, सा। अब हम जाएंगे मंद्र सप्तक में, सा नी धा पा। लेट्स से प वो नोट है जहाँ तक मैं कंफर्टेबली जा पा रहा हूँ। ऐसे ही हम जाएंगे तार सप्तक तक, सारे गा मा पा धा नी सारे गा। सपोज ग वो नोट है जहाँ तक मैं कंफर्टेबली जा पा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, सा नी धा पा। कोई भी एक टेम्पो ले लेंगे, लेट्स से 180। पहले इस एक्सरसाइज को स्लोली करेंगे। तो जो हमारा लोवेस्ट नोट है और हाईएस्ट नोट है, हमको उस पर थोड़ी देर रुकना है। ठीक है, अब इसको बीट पे करते हैं। जब हमने इतने टेम्पो पर कमांड कर ली तो हम इसको डबल कर सकते हैं, यानी कि और जब हमने इन सुरों पर कमांड हासिल कर ली, यानी कि मंद सप्तक के प पर और तार सप्तक के ग पर, फिर हम अपनी वोकल रेंज को धीरे धीरे एक एक नोट बढ़ा सकते हैं, यानी कि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि पहला, गले में बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक आप नेचुरली आराम से गा पा रहे हैं उसी सुर तक गाएं। दूसरा, तार सप्तक के सुरों को कभी भी अचानक से नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप थोड़ी सी वोकल वार्म अप कर सकते हैं। आप मंद सप्तक के प से मध्य सप्तक के प तक, फिर मध्य सप्तक के ध तक, नी तक और फिर सा तक जा सकते हैं। इसके बाद जब आपका गला आपका गर्म हो जाए, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को फुल फ्लेज्ड तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।